बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, इनके सर्वाइकल पैरालाइज और नस ब्लॉक हो गए थे, और इस जिसकी वजह से याददाश्त भूल गए थे, और ये याददाश्त भूल गए थे। हाँ जी बिल्कुल याददाश्त भूल गए थे ये, जैसे कि आपको तो बच्चों को तो याद करते थे कि नहीं पता चलता था, वो थोड़ा बहुत याद था हमारे बारे में, बाकी तो ये कहते थे वो मर गया ये मर गया, और ना याद कर करके रोते थे, और हम इनको बताते थे नहीं कोई नहीं मरा है, उल्टा हम दिखाते थे चलते फिरते देखो ये जा रहा है जिंदा है ये मरा नहीं है, तो ना 10 मिनट याद रहता फिर भूल जाते फिर रोने लग जाते, अब फिर हम कहते अब क्या हो गया, कहते तेरे मामा मर गए, फिर कहते तेरी मासी मर गई, जबकि वो मरे नहीं होते थे जिंदे होते थे, तो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे, और यही सेम कंडीशन में दादा के साथ हुई थी, 30-40 साल हो गए हैं पापा बताते होते हैं, फिर मैं चाचा के साथ भी ऐसा ही हुआ, फिर मम्मी अच्छा, के साथ दादा के साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ जी फिर चाचा के साथ चाचा के साथ फिर मम्मी के साथ फिर मम्मी के साथ हुआ। हाँ जी वो भी ऐसे ही करते थे कि वो मार दिया ये मार दिया, और चीखते चिल्लाते, इनको ये लगता है कोई हमें मार रहा है या मेरे बच्चों को मार रहा है, ऐसे इनको लगता था। फिर पैरालाइज क्या हुआ था? पैरालाइज हो गया था इनको, इनके ना हाथ पैर सब टेढ़े हो गए थे, जीभ वगैरह टेढ़ी हो गई थी। हाँ जी तो जीभ टेढ़ी हो गई थी, जीभ भी टेढ़ी, तो बोला नहीं जाता था इनसे। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर उसके बाद आस पड़ोस वाले कहने लगे तांत्रिकों के पास ले जाओ, तो वो कहते हैं कि उन्होंने नंबर वगैरह हमें दिया, तो हम गए, वो हमारे घर पे भी आए तांत्रिक वगैरह, और इलाज वगैरह करके गए, कहते तुम्हारे घर कोई नहीं आना चाहिए वरना प्रेस टूट जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें वो हमें बोल के गए थे। फिर उसके बाद हमने जो भी कोई आता होता था हम उन्हें बाहर से मना कर देते थे, भाई घर पे हमारे परहेज है भाई नहीं आना है, कह देते थे, वो बुरा तो लगता था, फिर अब क्या कर सकते थे, तो वो क्या के गए थे। उसके बाद जैसे तांत्रिक हो रहा है इनकी तो और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, थोड़ा चल फिर तो पा रहे थे पहले, फिर उनके आने के बाद तो ना बिल्कुल बेड पे थे, इनके ना ये हाथ पैर ना जैसे ये बिल्कुल ऐसे चिपक गए थे, ऐसे अच्छा, बिल्कुल ऐसे जुड़ गए थे, अब ना इनको ऐसे करते थे ना 10-10-15 मिनट में सीधे करने में लग जाते थे, इनको पेन बहुत होता था, इनको ये लगता जैसे चीड़ फाड़ कर देते ना शरीर की, ऐसे इनको लगता था, इनको बहुत दर्द होता था पेन होता था, हमें नहीं लगता था कि ये बच जाएंगे, हमने सभी रिश्तेदार को फोन कर दिया था भाई आ जाओ और इनको मिल जाओ, हमें थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी, हम इसलिए चेक करते थे हिला हिला के, अब प्राण गए रात को प्राण गए दिन को प्राण गए ऐसे आप हिला के चेक करते थे। हाँ जी हाँ जी जीती है या मर गई है। हाँ जी रात को भी दिन को भी दोपहर को भी ये ऐसे ऐसे करके देखते थे, मेरे पापा कहते देखना तेरी मम्मी को, फिर हम देखते मम्मी मम्मी थोड़ी कहती हाँ, मैं कहा नहीं अभी है अभी है, तो ऐसे हम वेट कर रहे थे, हमें पूरा उम्मीद ही छोड़ दी थी, रिश्तेदार को फोन कर दिया था, रिश्तेदारों कह दिया। हाँ जी वो बेचारे व्याकुल होके दुखी होके आके इनको मिलके जा रहे थे, फिर किसी ने हमें बताया कि आप चमत्कार चर्च में जाओ, फिर हमने यहाँ पे गंगानगर में चर्च को ढूंढा, मेरे पापा यहाँ लेके आए, तो कौन जानता था बड़ा चमत्कार हो जाएगा चमत्कार चर्च में आने से, पहले दिन से हालेलुया पहले ही दिन से ये ठीक हो गए, पहले ही दिन से ठीक हो गए, कहाँ हमें इनको उठाना पड़ता बैठाना पड़े, टोटली हम पे डिपेंड थे ये, और खुद चल करके आए, अभी तो हम चर्च में आए नहीं है तभी प्रभु ने काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया धन्यवाद। और 13 से 14 से खट्टा खाने से एलर्जी थी, जैसे मैं थोड़ी सी भी खट्टी चीज खाती थी ना तो जैसे कोई दाफड़ कहे तो कोई पित्त कह देता है, वो पूरे सर से लेके पैर तक मेरे निकल जाते थे, और ना उसकी वजह से बहुत खारिश होती थी, जलन भी बहुत होती थी, मैं ऐसे 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 करके खुजाती थी ऐसे करके, और खून भी निकाल लेती थी कभी कभार, इतना गुस्सा आता था रोती थी मैं। परसों मैंने शुक्रवार को भैया जी को समर भैया जी को मैसेज किया और पिक भेजे, मैंने कहा मेरे को ऐसे हो जाता है और मैं बड़ी परेशान होती हूँ, स्कूल में जाती कॉलेज में जाती हर वक्त दवा अपने साथ लेके रखती थी कहीं मेरे को वहां ना हो जाए, तो उसके बाद भैया ने प्रार्थना की, उसके बाद मैंने आजादी पा ली है। हालेलुया।